ढेर सारे प्यार मिले और मेरे यूट्यूब चैनल को काफी सारा प्यार मिला है, उसके लिए काफी सारा थैंक यू सो मच। मैं आज लेके आ रहा हूँ जो स्टैंडर्ड 8 में जो बच्चे भी पढ़ रहे हो, जिनको नवोदय की एग्जाम फाइंड करनी है तो किस तरह से इजी ट्रिक से वो नवोदय की एग्जाम फाइंड पास आउट कर सकते हो कम से कम मेहनत के अंदर। और जो बच्चे भी घर बैठे लर्न करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और जो बाजू में जो घंटी दी है उसको ऑन कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो सभी आपको देख सके। और एक बढ़िया सी खूबसूरत चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ा बिग बैंग लेके मैं आ रहा हूँ कि जो बच्चे अभी या जो अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, आपने सही सुना, तो सभी 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, दोनों में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में हमें टोटल मटेरियल, जैसे कि नवोदय के एग्जाम में जो आने वाला है, जो एग्जाम आप जानते हो 8 फरवरी 2020 के अंदर है, उसके लिए बढ़िया सा पैकेज में लर्न करके बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिसको आपकी एग्जाम पास हो जाए, मेरा एक मोटो है कि आप घर बैठे बैठे नवोदय पास करें। तो किस तरह से करेंगे, तो पहले तो आपने फॉर्म तो भर लिया, इसीलिए आप मेरा वीडियो देख लें, अगर नहीं भरा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आप भर सकते हैं। 8th स्टैंडर्ड के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म भरे उनके लिए अब से मेरे यहाँ इस यूट्यूब चैनल में आपको मिलेंगे, जो बच्चे नवोदय की एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया खूबसूरत चीज़ में लेके आ रहा हूँ। शॉर्ट टाइम के अंदर आप यूट्यूब पे मेरे सभी वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में 8th स्टैंडर्ड में जो अभी आने वाली एग्जाम है 8 फरवरी 2020, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगा और कुछ ऐसी टिप्स दूंगा कि जिस टिप से आप डेफिनेटली ये नवोदय एग्जाम क्रैक कर सकोगे। तो इसके लिए आपको लगातार मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे। और हाँ, मुझे कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, आपका मुझे प्यार की बहुत ज़रूरत है, आई लाइक यू, आई लव यू, लेकिन स्टूडेंट्स आपकी मुझे लाइक्स मिलनी चाहिए मेरे वीडियो पर। और हाँ, ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुँचाइए जो ज़रूरतमंद है, जो पढ़ नहीं सकते हैं और उनको पढ़ना है, नवोदय क्रैक करनी है, तो मैं उन्हीं लिए बैठा हूँ, फ्री एजुकेशन इसीलिए दे रहा हूँ। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूज़ कर रहे हो तो आप भी यूज़ करो, सबको शेयर करिए, अच्छी बात है। तो मैं क्या लेके आ रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ लेके आ रहा हूँ कि जो नवोदय के बच्चे स्टूडेंट के लिए अभी लर्न कर रहे हैं, तो 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में उनका एडमिशन होगा तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता दूँ पहले तो आपका पेपर 2.5 घंटे का होने वाला है। ओ यस, 2.5 घंटे का, और उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे और वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर। अच्छा, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट आएंगे, जानना नहीं चाहते, जानना चाहते हो ना तो मैं बताता हूँ। देखो, पूरा वीडियो देखना है, लेकिन देखो, एक तो आपका हिंदी आएगा, तो हिंदी 15 मार्क्स का है, उसके अलावा इंग्लिश आएगा वो भी 15 मार्क्स का है, उसके अलावा मैथ्स है, थोड़ा टफ है, लेकिन टेंशन करने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ, अपूर्व सर है, वो आपको सॉल्व आउट करा देंगे सभी मैथ्स के क्वेश्चन, कितने भी हार्ड क्यों ना हो। वो होगा 35 मार्क्स का, और इसके साथ साथ साइंस भी आने वाला है, तो उसको भी आप मैं करवा दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने ये चैनल इसीलिए मैं बनाई है कि आप घर बैठे आराम से देखो, पढ़ो और दूसरे लोगों को शेयर करो। हाँ, कई फ्रेंड्स ऐसे हो गए कि अभी तक सोच रहे कि क्या पढ़े या ना पढ़े, यार पढ़ना स्टार्ट करो, मेरी वीडियो देख के 10th के बच्चे पास हो जाएंगे। सिर्फ 8वीं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एग्जाम क्रैक करनी है आपको, किस तरह का पेपर आएगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे एग्जाम में बैठेंगे और किस तरह से लर्न करना है, वो सारी अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको देता रहूँगा। और हाँ, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शॉर्ट टाइम के अंदर, काफ़ी शॉर्ट टाइम के, यानी कितना शॉर्ट टाइम, सोच लीजिए कि 2 दिन के अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर मैथ्स करना चाहिए, तो अब तो लाइक